नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 बड़े खबरों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि बिहार में स्कूल खोलते ही कोरोना विस्फोट। फिर आपको हम बताएंगे कि जीविका कर्मियों ने सीएम कार्यक्रम में किया जमकर बवाल। साथ ही जानेंगे कि बिहार में अब 765 केवी क्षमता का बनेगा सुपर ग्रिड। बिहार में 8 जनवरी से बढ़ेगी ठंड। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने की तारीफ। साथ ही आपको बताएंगे कि किस दिन जेई एडवांस की परीक्षा होगी। साथ ही बताएंगे आपको बिहार में अब मात्र 9% ही बच्चे उपस्थित हो रहे। लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई। साथ ही आप जानेंगे कि सीबीएसई में अब 2 बार प्री बोर्ड की परीक्षाएं होगी। बिहार के हर शहरी निकाय में बनेगा सम्राट अशोक भवन। साथ ही बताएंगे कि जदयू एमएलए ने दिया बयान, 6 महीने ही चलेगा नीतीश सरकार। भी पास के लिए सेना में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। साथ ही आपको रिपोर्ट देंगे कि सिपाही भर्ती में 3 महिला परीक्षार्थी हुई गिरफ्तार। फिर आपको राज्य में कोरोना अपडेट के बारे में रिपोर्ट देंगे। राज्य में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क बैच का किया गया शुरुआत। और फिर अंत में आपको बताएंगे कि पीजी में नामांकन के लिए अब कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो फटाफट अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से 1 लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहली खबर, बिहार में स्कूल खुलते ही कोरोना विस्फोट, एक ही स्कूल के 25 बच्चे और शिक्षक पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर के बीच बिहार सरकार ने 4 जनवरी से सभी स्कूल और शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर जिले से सामने आ रही है, जहाँ असरगंज प्रखंड के ममई हाई स्कूल में एक साथ 25 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमितों ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक शामिल है। बताया जा रहा है कि 4 जनवरी से स्कूलों को खोलने के आदेश के बाद मुंगेर का ममई हाई स्कूल भी खुला था, लेकिन एकाएक इस स्कूल से 25 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। एक साथ कोरोना के 25 मामले सामने आने के बाद सीएम ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का आदेश दिया है। इसके साथ ही उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वैसे लोग जो संक्रमित के संपर्क में आए थे, उनसे कोरोना जाँच कराने की अपील की जा रही है। 765 केवी क्षमता का बनेगा सुपर ग्रिड, 3 देशों से बिजली लाइनें से जुड़ने वाला बिहार बनेगा पहला राज्य। बिजली के क्षेत्र में एक बार फिर बिहार सफलता लगाने को तैयार है। इस बार कटिहार के कोड़ा में 765 केवी उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड बनने जा रहा है। इस सुपर ग्रिड के जरिए बिहार 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला पहला राज्य होगा। इससे पहले बिहार भूटान और नेपाल से पहले ही जुड़ चुका है। सुपर ग्रिड को केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही उसका प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना केंद्र सरकार ने घोषित किया है। इस ग्रिड से बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन लाइन बनेंगी और इससे 800 मेगावाट बिजली दी जाएगी। इसके अलावे पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसका लाभ मिलेगा। बिहार में 8 जनवरी से बढ़ेगी ठंड, फिर से चल सकती है शीतलहर। जी हां, बिहार में एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है। इसके साथ ही शीतलहर के साथ साथ कनकनी भी रहेगी। इसका पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 24 घंटे तक तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद मौसम साफ होगा, बादल छटेंगे और न्यूनतम पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगर पछवा हवा का जोर बढ़ने में कंपाने वाले सर्दी के भी अनुमान है। इसके अलावे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर नए सिरे से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है। 2 दिनों के अंदर मौसम में बदलाव आ जाएगा। फिलहाल बिहार के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। शिक्षा मंत्री निशंक का ऐलान, 3 जुलाई को होगी जेई एडवांस परीक्षा, 75% अंकों की अनिवार्यता भी खत्म। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को जेई एडवांस की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस वर्ष जेई एडवांस परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2021 को होगा। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता संबंधी शर्त को भी हटा लिया गया है। पिछले वर्ष भी कोरोना के चलते 75% अंकों
की बाध्यता से छूट दी गई थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष इस परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया जाएगा। वेबिनार के जरिए शिक्षा मंत्री ने कहा, जेईई मेन 2021 के तारीखों के ऐलान के बाद से ही विद्यार्थी लगातार जेईई एडवांस के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। छात्र जेईई एडवांस की तारीख, प्रावधान, पात्रता संबंधी नियमों को लेकर लगातार सवाल कर रहे थे। पिछली बार कोविड-19 की विषम परिस्थितियां थी, अभी भी इससे उबर नहीं पाए हैं। इसको ध्यान में रखकर इस बार भी आईआईटी में एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता मानदंड को हटा दिया गया है। बिहार में स्कूल तो खुल गए, लेकिन क्लास के लिए आ रहे हैं महज 9% बच्चे। जी हां, बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में महज 9% ही बच्चे आ रहे हैं। गुरुवार को राज्य के सभी 38 जिलों में हुए औचक निरीक्षण के बाद सरकार को मिली रिपोर्ट बताती है कि बच्चों और उनके अभिभावकों के मन से कोरोना का डर अभी भी नहीं गया है। जीविका दीदी के हाथों बना पोशाक पहनेंगे बिहार के स्कूली बच्चे। जी हां, बिहार के स्कूली बच्चे दीदी के हाथों से तैयार पोशाक पहनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया से करीब 45 किलोमीटर दूर दमगाड़ा में संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि जीविका समूह स्कूली बच्चों के लिए पोशाक तैयार करेगा। दीदी के हाथों से बने पोशाक बच्चे पहनेंगे। राज्य का पैसा घर में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। यही नहीं, सरकारी स्कूल में मास्टर आते हैं या नहीं, इसका ध्यान भी जीविका की दीदी रखेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल जाकर देखिए मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं। जल जीवन हरियाली के तहत बिहार में संवर रहे तालाबों की देखभाल की जिम्मेवारी भी जीविका दीदी को सौंपी जाएगी। राज्य के सभी अस्पतालों में जीविका दीदी को रसोई होगी। लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 8 जनवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सरकार से लालू प्रसाद के रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगला और बंगले से वार्ड में शिफ्ट होने पर विस्तृत जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने पूछा था कि किसके आदेश और किसके निर्णय से ऐसा किया गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जब जेल अधीक्षक का कहना है कि यह निर्णय जेल प्रशासन ने नहीं लिया था, तो आखिर यह निर्णय किसने और किसके कहने पर लिया है। जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में अनेक अन्य सवाल भी पूछे गए थे, जिनका सरकार के अधिवक्ता जवाब नहीं दे सके। अस्पताल में लालू प्रसाद को सेवादार दिए जाने के मामले में न्यायालय को बताया गया कि जेल में सेवादार देने का प्रावधान है। इस पर न्यायालय ने कहा कि यदि किसी कैदी को जेल के बाहर इलाज हो रहा है तो क्या उसे सेवादार मिल सकता है, सेवादार नियुक्ति करने की प्रक्रिया क्या है, इस पर भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। लालू यादव का नीतीश कुमार पर तंज। बिहार में अपराध की सुनामी, लोग मारे जा रहे हैं और कानों में तेल डालकर सरकार सो रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। ट्वीट करते हुए राजद सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई है, प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं, मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाओं के बावजूद राज्य सरकार कान में तेल डालकर संवेदनहीनता और स्वास्थ्य की गहरी नींद सो रही है। सीबीएसई प्री बोर्ड परीक्षा होगी 2 बार, पास करने पर ही मिलेगा एडमिट कार्ड। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में इस बार 2 बार प्री बोर्ड की परीक्षा होगी। जनवरी के अलावा मार्च में भी प्री बोर्ड टेस्ट होगा। जो छात्र अभी प्री बोर्ड नहीं दे पाए हैं, वे मार्च में होने वाले प्री बोर्ड टेस्ट में शामिल होंगे। बोर्ड की माने तो प्री बोर्ड में पास होना जरूरी है। पास नहीं होने पर छात्रों को बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। सारे छात्र प्री बोर्ड परीक्षा में शामिल हो और परीक्षा पास करें, इस कारण स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड लेने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद का ऐलान, बिहार के हर शहरी निकाय में बनेगा सम्राट अशोक भवन। बिहार के सभी निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण होगा। जहां जमीन नहीं मिली है, वहां तत्काल जमीन की व्यवस्था की जाए। जमीन मिलते ही विभाग निर्माण के लिए धनराशि दे देगा। यह निर्देश अधिवेशन भवन में भागलपुर और दरभंगा प्रमंडल के शहरी निकायों की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तार किशोर प्रसाद। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि देरी के चलते योजनाओं की लागत बढ़ी तो दोषी अफसरों को खैर नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शहरी निकायों में नालों की समय पर उड़ाड़े निश्चित की जाए, ताकि बारिश के दिनों में जलजमाव की स्थिति पैदा ना हो। जदयू एमएलए ने कह दिया
छह महीने ही चलेगी नीतीश सरकार, उसके बाद बिहार में तेजस्वी सरकार। जी हां, विवादित बयानों के लिए मशहूर भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश तो बिहार के सबसे दबंग सीएम है, लेकिन छह महीने में ही ये हट जाएंगे और उनकी जगह तेजस्वी यादव आ जाएंगे। दरअसल पिछले दिनों भाजपा के उम्मीदवार रोहित पांडे पर कटाक्ष करते हुए उनका एक साउंड क्लिप वायरल हुआ था, जिसके चलते ठंडे मौसम में सियासत गर्मा गई है। साउंड क्लिप के वायरल होने के बाद जदयू के पलटवार के कारण गोपाल मंडल की काफी फजीहत हुई थी। इसी वजह से गोपाल मंडल को मीडिया के सामने अपना पक्ष रखना पड़ा। प्रेस के सामने बोलते बोलते गोपाल मंडल जोश में आकर एक बार फिर फिसल गए और नीतीश कुमार को दबंग मुख्यमंत्री करार करते हुए इनकी पारी की छह महीने में समाप्त हो जाने की घोषणा कर डाली। 12वीं पास के लिए सेना में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, जाने कैसे करें अप्लाई। जी हां, यदि आप भारतीय सेना से जुड़ने का सपना देख रहे हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एवं नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन से इसे साकार कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवाओं को भारतीय सशस्त्र बल की संयुक्त सेवा अकेडमी नेशनल डिफेंस अकेडमी में सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण होने पर आप भारतीय सेना में बतौर ऑफिसर करियर की शुरुआत कर सकेंगे। यूपीएससी में एनडीए एवं एएन एग्जामिनेशन 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि एनडीए एवं एएन परीक्षा के माध्यम से कुल 400 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें एनडीए के कुल 370 पद है, जिसमें थल सेना के 208, नौसेना के 42 और वायुसेना के 120 पद है। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटे में 377 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 255,474 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 4,533 कोरोना के एक्टिव मरीज है, तो दूसरी ओर सबसे ज्यादा राजधानी पटना से 147 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की कोरोना से जान चली गई। पटना यूनिवर्सिटी ने पीजी में एडमिशन का एक और मौका स्टूडेंट को दे दिया है। एमए, एमएससी और एमकॉम में अब तक एडमिशन फॉर्म नहीं भरने वाले स्टूडेंट 14 जनवरी तक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। पीयू ने रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल दिया है। पीयू ने पीजी में एडमिशन के लिए तीसरी बार आवेदन की तिथि बढ़ाई है। पीयू की ओर से ग्रेजुएशन पार्ट टू का रिजल्ट विलंब से जारी करने के कारण पीजी में एडमिशन की तिथि बढ़ाई गई है। वहीं पार्ट थर्ड के पेंडिंग रिजल्ट के कारण से ही एडमिशन की तिथि बढ़ गई है। और अंत की बड़ी खबर, सिपाही भर्ती में 3 महिला परीक्षार्थी हुई गिरफ्तार। जी हां, बिहार पुलिस संगठन सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुधवार को 3 और फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि ये तीनों महिलाएं हैं और इन लोगों ने महिला स्कॉलर के माध्यम से लिखित परीक्षा पास की थी। अभी तक 300 से अधिक फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन पहली बार 3 फर्जी महिलाएं पकड़ी गई है। ये तीनों नालंदा, भागलपुर व सहरसा की रहने वाली। कल के सवाल का काफी लोगों ने सही आंसर दिया, जैसे विश्वनाथ आनंद, स्वीटी कुमारी, पंकज कुमार, मनीष राज, सत्यपाल महाराज, आर्यन माजी, के खुर्शीद और विकास कुमार। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।